आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मूले की कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहला ट्रिक्स ये है कि मुझे अगर ये पता करना है कि एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है। जैसे कि होता है क्या था कि हम लोगों के एक डेटा में, एक एयरलाइन कंपनी से मैं काम करता था, डेटा आता था, उसमें एयरलाइन के नेम थे। जैसे मान लीजिए कि एक टिकट पे फ्रांस गया गया या यूके गया गया, कहीं भी गया गया, तो उसमें ये होता क्या था, कई सारे फ्लाइट चेंज होते थे। मान लीजिए ना, आपको पुणे से मियामी जाना है, तो पुणे से मियामी आपको डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिलेगा ना, पुणे से मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई से आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, वहां से मियामी। तो आपको इन तीनों में आपको सेम एयरलाइंस का फ्लाइट मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो टिकट करने वाले होते थे, जो एजेंट होता था, वो क्या करते थे, अलग एयरलाइंस में कर देते थे। तो हमें काउंट करना होता था कि कितने एयरलाइंस में टिकट बनाया गया है। तो हमें पता करना है कि इसमें कितने करेक्टर है कॉमा के अलावा, या कितने कॉमा है इसमें, तो उसको कैसे काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने कॉमा है, एक काउंट करना है, ये कितनी एयरलाइन से काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेन फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ को निकाल लेते हैं, कंप्लीट लेंथ, फिर माइनस करते हैं वापस लेन, और इसमें हम एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं और बोलते हैं कि इसमें से कॉमा को ब्लैंक कर। अब ध्यान से देखिए, हम कंप्लीट लेंथ में से माइनस कर रहे हैं कॉमा के लेंथ को, विदाउट कॉमा लेंथ को, तीन आ गया। लेकिन लास्ट वाला जो है वो नहीं, ऐड नहीं होता है, इसलिए हमेशा एक प्लस वन कर दिया गया। आया कि नहीं सर? ठीक। इसमें इस तरह की चीजें करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने नेम लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है सुजीत सिंह, मुझे स्पेस के बिहाफ पे तीनों को अलग करना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम फाइंड फॉर्मूले या सर्च फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे। और फर्स्ट नेम के लिए हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और हम बोलते हैं फाइंड माइनस वन, जीत आ गया। मिडिल नेम के लिए क्या करें, क्योंकि मिडिल नेम के लिए मुझे यहां कुमार के बाद का स्पेस चाहिए होगा, तो फाइंड फॉर्मूले में ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो फाइंड फॉर्मूला जब हमने लगाया और इसमें हमने जब हमने इसमें स्पेस दिया और हमने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे सामने आता है स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर में अगर हमने वन दे दिया, जैसे कि इससे पहले वाले में दिया है, तो आपको सेवन ही आएगा। स्टार्ट नंबर का मतलब होता है कि आप फाइंड कहाँ से शुरू करना है, आपको आप ढूंढना कहाँ से शुरू कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो यहाँ हम वन को हटा के इसको प्लस वन कर दिया, B9 प्लस वन, और इसको एंटर मार दिया। ओके, और फिर हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, मिड का फॉर्मूला लगाएंगे। कि मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि 7 प्लस 1, मतलब कि स्पेस के बाद से स्टार्ट है, और सेकेंड 13 माइनस 7, मतलब कि सेकेंड फाइन माइनस फर्स्ट फाइन, इतना करेक्टर लेना है। देखिए कुमार आ गया। और राइट के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इसकी कंप्लीट लेंथ कंप्लीट लेंथ से सेकेंड फाइंड को माइनस कर।
समयस आर मिथल दीपक जी भुवन जी हाँ सर क्लियर है कोई डाउट तो नहीं इसमें नो सर तो इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं और इसमें एक और एग्जांपल एयरलाइन से रिलेटेड है तो हमें एक और क्वेश्चन मिलता था काम मिलता था क्या था कि जिसने जिसमें मान लीजिए सेम एयरलाइन जैसे अमेरिकन एयरलाइन से ही उसने यूज किया है ठीक है तो यहां पे मुझे पता करना था कि इसमें जो एयरलाइन यूज किया गया वो सेम यूज नहीं किया गया क्योंकि जिसने सेम एयरलाइन यूज किया है उसको हम लोग अलग भेजना होता था जिसने अलग एयरलाइन यूज किया है उसको अलग भेजना होता था कमीशन के लिए क्योंकि दोनों की कमीशन कैलकुलेशन अलग थी तो जिस एजेंट ने टिकट बनाया है अगर जिसने अगर सेम एयरलाइंस लिया है तो उसकी कमीशन थोड़ी सी अलग होती थी थोड़ा सा ज्यादा होता था तो वो कमीशन कैलकुलेट करने वाला डिपार्टमेंट अलग था अलग बंदा कैलकुलेट करता था हमें उसको देना पड़ता था तो हमें इसमें से देखना था कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अलग एयरलाइंस है तो हमें देखना था कि क्या इसमें सेम एयरलाइंस है या नहीं है जैसे मुझे पता करना है तो कैसे पता करें हमें पता है कि एयरलाइन की जो कोड है वो दो डिजिट की होती है तो सबसे पहले हम लेफ्ट फॉर्मूले से दो डिजिट को अलग कर लेते हैं फिर हम यहां सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हैं और बोलते हैं कि इसमें ये इसको ब्लैंक कर दो ओके फिर वापस हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं हम बोलते हैं कि इसमें कॉमा को भी हटा और फिर लेन लेते हैं अगर लेंथ जीरो है तो इसका मतलब है कि ये सेम एयरलाइंस है अगर इसमें कोई अलग एयरलाइंस हुआ जैसे कि मैंने एयर इंडिया डाल दिया तो एंटर में देखिए दो आ जाए मतलब कि सेम नहीं कंसेप्ट ये था कि हम पहले एक एयरलाइंस को हटा लेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उस सारे एयरलाइंस को डिलीट कर देंगे सब्स्टिट्यूट के माध्यम से फिर हम कॉमा को डिलीट कर देंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आना चाहिए लेंथ कुछ नहीं आना चाहिए कुछ लेंथ नहीं आया इसका मतलब है कि सही है मतलब कि एक ही एयरलाइंस है तो इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो एक टू एन फॉल्स आ जाएगा अब मैंने इसको अलग अलग सेल में लगाया है तो आप इसको एक सेल में इसकी तरह लगा सकते हैं आ सकते हैं सर yes. दीपक जी हाँ सर जी चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लेफ्ट फॉर्मूले की तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का उसी रैप्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे सबसे पहले जाने रैप्ट फॉर्मूला करता क्या है इस चीज को एक बार समझ लीजिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं जैसे कि अगर हमने यहां पे ए लिखा और रैप्ट फॉर्मूले में रिसीव हो गया रैप्ट फॉर्मूले में हमने बोला कि इसको 5 times रिपीट कर दो ये 5 times रिपीट कर देगा लेकिन इसका एक्चुअली में ऑफिशियल यूज क्या है चलिए इसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं यहां पर कुछ सेल्स का फिगर ले लेते हैं मान लीजिए इस डेटा पे हमें बार लगाना है डेटा बार लगाना है तो हम यहां सेलेक्ट करके लगा सकते हैं दूसरी चीज हम लोग 2003 यूज करते थे उसमें फीचर नहीं था पहली चीज दूसरी चीज अगर हम इसको लगा लेंगे तो किसी जगह पे हम कॉल नहीं कर पाएंगे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पे वीलू का फेसबुक का या किसी तरह से कॉल करना चाहते तो हमें सिर्फ वैल्यू कॉल होगी हमारा डेटा बार कॉल नहीं होगा और इसमें अगर हम अलग से डेटा बार लगाएंगे तो डेटा बार तो पूरा लगेगा
चाहे यहाँ वैल्यू 20 क्यों ना, क्योंकि इसको इसके अकॉर्डिंग तो कंपेयर नहीं करेगा ना। तो हमें अगर कहीं डैशबोर्ड पे इस डेटा को लेके आना, साथ में बार को लेके आना है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में दी गई ए बार सूटेबल नहीं, क्या करेंगे, ये रूल करते हैं। तो यहां पे हमें रेफ्ट फॉर्मूला हमारा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, चलिए इसी चीज को हम बताते। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ रैप्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और रैप फॉर्मूला में हम करेक्टर जो है एक करेक्टर होता है, ये आपका बैक स्पेस के बगल में होता है, इसको लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये जो हुआ इस तरह से, लेकिन काफी बड़ा बन गया है। तो इस पे एक फॉन्ट होता है, मैं इसी फॉन्ट को शो कर रहा हूं। एक फॉन्ट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड का, इस फॉन्ट को यूज करेंगे तो जो अलग अलग था वो कंटिन्यूअस लाइन में बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो हम जो A2 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो गया ना सर, तो हम एवरेज इसका लेंगे और उसका मैक्सिमम डिविडेंड निकाल के, एक होता है आपका GCD, एवरेज भी ले सकते हैं, ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं आप, यहां से ग्रीन कलर, और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहां हमारा लॉस है और यहां हमारा प्रॉफिट है। लॉस हमारा माइनस में, नहीं माफ कीजिएगा, एक ही सिस्टम में लॉस एंड प्रॉफिट है यहां पे। इसमें जो लॉस है वो माइनस में, प्रॉफिट जो है वो जो है प्लस में, तो मुझे यहां पे करना है। तो यहां पे हम इफ फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू जीरो है तो क्या हो, रैप्ड का फॉर्मूला चले, और इसको माइनस में दिक्कत होगा तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं एवीएस फॉर्मूले से, और इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, अदरवाइज ये ब्लैंक हो जाए। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और सेम फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं और यहां रखते हैं, बट यहां कंडीशन में
थोड़ा सा फिर बदल हो जाता है। और इस पे भी हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट यूज करेंगे जो नीचे था। बाद इसको जो है हम कर देते हैं यहाँ साइड में, और इसको भी कर देते हैं इस साइड में। राइट क्लिक करते हैं, कमेंट सेल पे जाते हैं, बॉर्डर पे ये मोटा मोटा वाला लेता हूँ और सही। और राइट क्लिक, यहाँ भी है हमारा ऊपर वाला बॉर्डर ले लेता हूँ टॉप, इसको कलर कर देता हूँ रेड, इसको कर देता हूँ ग्रीन। टेक्स्ट कलर अप्लाई होता है सर, हो गया। इसको और बेटर दिखाने के लिए पेज लेआउट में जाए और ग्रिडलाइन को अनचेक कर। तो इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आया सर समझ में? यस सर, यस सर, क्लियर है। ये हमारा रैप्ड फॉर्मूला के बारे में था। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, दो तीन एग्जांपल आप खुद से ढूंढें, ठीक है। तो टेक्स्ट कैटेगरी यहां पे हम खत्म कर दिए, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। तो हम कल से अगली कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे डेट एंड टाइम का, ठीक है सर। हेलो, ओके सर। और टेस्ट जो है हम इकट्ठा, टेक्स्ट जो है इकट्ठा, डेट एंड टाइम और टेक्स्ट का दोनों ले लेंगे, तो टेस्ट होगा सर। इसलिए करते रहे, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस अभी नहीं किया है, तो इसलिए क्वेश्चंस आपको हम नहीं दे रहे। हाँ, इस तरह से आपको मैंने दिया कि जैसे मैं इसको, इस दो एग्जांपल मैंने बताया है, ऐसे दो एग्जांपल आप भी बनाए।